नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने आज एक ऑर्डर जारी किया है, और इस ऑर्डर में उन्होंने बोला है कि जो CGHS फैसिलिटी का बेनिफिट है, अब वो पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के पेंशनर्स को भी दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब से पहले जो पेंशनर्स थे पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के, उनको CGHS है उसका बेनिफिट नहीं दिया जाता था। और इस ऑर्डर के बाद में उन्होंने बोला है कि चाहे कोई पेंशनर्स जो कि पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट से था, वो रिटायरमेंट से पहले CGHS का बेनिफिट लिया था या नहीं लिया था, वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है उसका बेनिफिट ले सकता है। तो ये ऑर्डर आपके सामने है और आप भी ऑर्डर पढ़ सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर लिखा है कि द रिटायर्ड एम्प्लॉयज ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट सेल ईयर एंड आफ्टर बी इंटाइटल्ड टू द CGHS फैसिलिटी इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर देवर मेंबर्स ऑफ CGHS प्रायर टू रिटायरमेंट और नॉट, सब्जेक्ट टू द पेमेंट ऑफ प्रीवेलेंट सब्सक्रिप्शन फॉर अवेलिंग देमसेल्फ ऑफ दिस फैसिलिटी एज पर रूल्स एज इन द केस ऑफ अदर सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स। यानी उनको सिर्फ अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो देना होगा, और वो बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स की तरह ही CGHS स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये एक अच्छी न्यूज है पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के जो भी पेंशनर्स हैं उनके लिए, कि अब वो अपना जो भी कंट्रीब्यूशन है वो देकर CGHS का बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। आपको ये जानना है कि पेंशनर्स के लिए कैसे उन अपना जो CGHS का कार्ड बनवाया जाए, उसके लिए भी हमने वीडियो डाले हुए हैं, और आपकी स्क्रीन पर वीडियो लास्ट में दो वीडियो आएंगे, उन पर क्लिक करके आप सारा डिटेल्स जान सकते हैं CGHS के बारे में। तो वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए जिससे उनको भी इसका फायदा मिल सके। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।